हेलो गाइस, नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के तीन नए ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको तीन नए ट्रिक्स बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल के। साथ में ही आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक हैकर से मिला, जो शायद तो मुझे हैकर ही लगा या फिर कोई पबजी का बग भी हो सकता है, पर मैंने अभी तक कोई ये बग नहीं देखा था। तो आप मुझे वो देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या ये कोई हैकर था या फिर ये पबजी में कोई नया बग आया है, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आप घर देख रहे हैं, जो वेयर हाउस टाइप का रहता है, इसमें ही आपको सबसे ज़्यादा कैंपर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग ऊपर चढ़ के जो है बैठ जाते हैं और कभी कभी तो सो जाते हैं क्रेट के पीछे, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन्हें मारने में। तो आपको क्या करना है, बस इस दरवाजे को खोलना है और यहाँ पर बग्गी या डासिया आपको लगा के इस दरवाजे पे चढ़ना है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको छोटी सी रेलिंग दिख रही है उस पर आपको धीरे धीरे चलते हुए, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, पेशेंस रख के। और इसके बाद यहाँ पर जो आप टप जाते हैं तो आप यहाँ खिड़की के पास आ सकते हैं। तो अब कोई एनिमी यहाँ पर अगर लेटा हो या बैठा हो और आपका वेट कर रहा हो कि आप सीढ़ी से आएंगे, तो आप वहाँ ये पीछे से घुस के आप उसे मार सकते हैं। और मैंने यहाँ से बहुत सारे किल भी लिए हैं जो मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। पर ये तो दोस्तों पहली ट्रिक जब आप बाहर से आएंगे, पर जब आप खुद अंदर होंगे और आप पे कोई चार बंदों ने रश कर दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खिड़की पर जाके थोड़ा साइड होके आपको साइड जंप करना है, और इसके खिड़की पर रुकने की जो है आपको कोशिश करनी है। और एक बार जब आप खिड़की पे रुक जाएंगे तो आपको फिर बैठ क्राउच करना है और फिर थोड़ा सा बाहर की ओर निकलना है, ज़्यादा नहीं कि आप नीचे गिर जाए, थोड़ा सा बाहर निकलना है। और इसके बाद आपको जो है आगे की ओर बढ़ना है, ना कि नीचे गिरने की कोशिश करना है, बस आपको खिड़की पे ही आगे चलने की कोशिश करना है, जिससे आप खिड़की से नीचे गिर के रेलिंग पे जो है फंस जाएंगे। तो इस तरह अगर आप बाहर होंगे तो इस तरह आप साइड जंप करके खिड़की पे आके क्राउच करके जब आप आगे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा दोस्तों आपको मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार जब आप सीख जाएंगे तो आप ये करने लगेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है और घरों से, लेकिन अगर आप ये एक बार कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद आप यहाँ से रेलिंग पे चल के जो है सीधा यहाँ पर आके आप इसके रूफ पे चढ़ सकते हैं। और रूफ पे चढ़ने के बाद देखिएगा मैं यहाँ से कितने एनिमी को मारूंगा, और बहुत ही आसान होता है। मैं तो कई एनिमी को ट्रोल करूंगा यहाँ से, देखिएगा उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से उन्हें मार रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पहला शिकार आ चुका है, आप वहाँ विंडो में देख सकते हैं। वो ये फर्स्ट एनिमी है जो यहाँ पर अभी आया है, और मैं जो है उसे अभी मारना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा ट्रोल करना चाहता हूँ और देखता हूँ वो मुझे देख सकता है या नहीं। देखते हैं वो आगे क्या करता है। अभी तो वो खैर लूट रहा है, इसके बाद वो बाहर अभी निकल चुका है, आप देख सकते हैं वो बाहर की जो बॉडी है उसे लूट रहा है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या करता है, क्या ये भी कैंप करता है दूसरों की तरह लूटने के बाद, या फिर कुछ और करता है। तो देख सकते हैं वो अभी भी लूट रहा है, इसके बाद वो उधर गया। और तो दोस्तों ये भी अंदर पहुंच गया है कैंप करने के लिए मुझे लग रहा है, पर मैं अभी इसे मारना नहीं चाहता हूं। जब मैं चाहूं उसे तो मार सकता हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ा और वेट करना चाहता हूं कुछ और एनिमी आने का, इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों बहुत वेट करने के बाद देखिए एक हमारा एक और एनिमी पहुंच चुका है। जैसा कि आप जानते हैं एक एनिमी पहले वहां ऊपर में कैंप कर रहा है और दूसरा ये अभी आ चुका है। मैं इसे भी थोड़ा बहुत जो है शॉट लेके सिर्फ ट्रोल करने की कोशिश करूंगा, मैं किसी को किल करने की कोशिश नहीं करूंगा। और इसके बाद देखते हैं कि वो मुझे खोज सकते हैं या नहीं खोज सकते हैं। तो मैं इसे भी थोड़ा शॉट लेना चाहूँगा, इसके बाद देखते हैं। हाँ एक दो शॉट मैंने ले लिए हैं। इसके बाद अब ये भी उसी घर में गया है, तो अब देखते हैं क्या होता है वहाँ अंदर जाने के बाद। क्योंकि एक पहले से तो एक जो बंदा वहाँ पहले से था वो अब भागने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अब उसे मार देता हूँ ताकि वो भाग ना जाए यहाँ से। तो ये मेरा पहला किल हो गया। जो वो जो बंदा आया उससे डर के शायद ये भाग गया अंदर से। अब वो जो बंदा है वो अब कैंप कर रहा है और ये भाग चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉट था, तो बॉट तो आप कहीं रहो देख ही लेते हैं, तो उसे मैंने मार दिया। और एक बंदा जो है अब बचा हुआ जो है वो वहाँ पे उस घर में अब कैंप कर रहा है। तो दोस्तों ये दूसरी ट्रिक थी कि आप यहाँ पर चढ़ के आसानी से लोगों को मार सकते हैं। अब जो है मैं आखिरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों उस घर में जो बंदा बचा हुआ था वो अब मेरे घर में आ चुका है, और शायद उसने मेरे फुटस्टेप सुने हैं, और तो शायद वो मुझे खोजने आ रहा है कि मैं ऊपर कैंप कर रहा हूँ। तो मैं अब जो है क्या कर रहा हूँ, इस रेलिंग के सहारे फिर से उसी खिड़की के नीचे जा रहा हूँ, और थोड़ा मैं अंदर देखना चाहता हूँ कि वो मुझे कैसे खोजता है और खोज पाता है या नहीं खोज पाता है। तो मैं यहाँ खिड़की पे आ गया हूँ,
वो थोड़ा नीचे मुझे साउंड आ रही है कि वो थोड़ा बैंडेज कर रहा है, वो जो मैंने दो चार हिट दिए थे इसलिए लगता है वो थोड़ा अभी HP को अपनी फुल कर रहा है, इसके बाद वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फाइनली मुझे फुट स्टेप आ रहे हैं उसके स्टेयर पे होने की, वो चढ़ रहा है धीरे धीरे। वो शायद चारों बगल देख रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, शायद उसे लग रहा हो कि मैं स्टेयर पे ही ना बैठा हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों आ गया है, तो वो अब उस साइड जा रहा है मुझे देखने के लिए, वहाँ तो मैं नहीं मिला उसे। देखिए दोस्तों वो कैसे मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और देखिए अभी भी वो ढूंढने की कोशिश ही कर रहा है, और देखते हैं वहाँ मुझे ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है। तो अरे ये क्या हुआ दोस्तों, क्या आपने अभी देखा? लेकिन इसने कूद के बहुत बड़ी गलती कर दी। पर अभी क्या हुआ था? तो दोस्तों मैं उस क्लिप को आपको फिर से दिखा रहा हूँ, पर पूरा स्लो करके दिखाऊंगा कि आखिर हुआ क्या। स्लो में शायद हमें समझ में आया कि क्या हुआ, वो बंदा वहाँ रुका हुआ था और इसके बाद शायद उसे मेरी गन दिख गई होगी जो कि वाल के बाहर चली जाती है बैठने पे, तो शायद उसने देख लिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ। इसके बाद आप स्लो मोशन में देखिए कि वो वहाँ से डायरेक्ट टेलीपोर्ट हुआ बीच में और फिर यहाँ पर आ गया, और डायरेक्ट आते के साथ मुझे एक दो शॉट भी मार दिए। अगर मैं दोस्तों अंदर होता तो मैं तो डेड था, वो तो मैं यहाँ था इसलिए बच गया, लेकिन उसने फिर वहाँ पे कूद के गलती कर दी। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कोई हैकिंग थी या नहीं थी, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।